एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी का कुछ दिनों से सवाल था कि बंजारा मार्केट कहाँ पर शिफ्ट होगी या फिर उसकी नई लोकेशन क्या है, तो उन्हीं सारी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। हम आ चुके हैं बंजारा मार्केट जहाँ पे अभी इस टाइम पे है, तो चलिए देखते हैं कि ये एक्चुअली कहाँ पे है। बंजारा मार्केट है, उखड़ी नहीं है। कमेटी आई थी, तोड़ के गई थी, फिर उल्टी चली गई। आज और कमेटी की 15 तारीख की कह रहे हैं, बताए कमेटी 20-15 तारीख की कह रहे हैं, कमेटी आएगी तोड़ेगी। लेकिन अभी भी है ना यहाँ पे, आप लोग अभी भी मतलब आपका सामान अभी भी सुरक्षित है ना? सुरक्षित जेपीसी से थोड़ी थी हमकी झुग्गी है, कम कम 200। अच्छा, 200-250 झुग्गी। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। बंजारा मार्केट जहाँ पे थी, डिमोलिशन हुआ था, बट अभी भी वहीं पे है। चीज़ें थोड़ी सी झुग्गियाँ वगैरह तोड़ी गई थी, बट अच्छी बात यह है कि बंजारा मार्केट अभी भी है और इस टाइम पे क्रिसमस के बहुत अच्छे कलेक्शंस आए हैं, तो आज मैं आप सभी को वही दिखाने लाई हूँ। चलिए चलते हैं, देखते हैं बंजारा मार्केट में हम सभी के लिए क्या है। दोस्तों, इस बार फ़र्क ये दिख रहा है, पहले रोड के दोनों साइड शॉप्स हुआ करती थी, अभी आप देख सकते हैं काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है। सामान ऑलमोस्ट वही है, कुछ नए कलेक्शंस आए हैं क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। इन लोगों का उस टाइम पे बहुत नुकसान भी हुआ था। ये देखिए, यहाँ से प्लांटर्स और क्रॉकरी के सामान शुरू हो जाते हैं। डिफरेंस इस बार ये था दोस्तों कि इस बार प्राइसेस थोड़े से क्या एक्चुअली बहुत हाई थे। पहले जो चीज़ें हमें 150-200 के अंदर मिलती थी, अभी वो 500-700 इस तरीके से हैं। बट उसमें कुछ मुझे सरप्राइज़ नहीं हुआ क्योंकि इन लोगों का ऑलरेडी इतना नुकसान हुआ है, बेचारे कहीं ना कहीं से तो कॉस्ट निकालेंगे ही ना। ये आप प्लांटर्स देख सकते हैं, पहले ये 200-250 में मिल जाते थे। प्लांटर्स में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये अभी भी ठीक रेट में मिल रहे हैं, वही 200-250 से इनकी स्टार्टिंग है। जो छोटे वाले हैं वो आपको 500 रुपये के भी मिल सकते हैं, बट जो क्रॉकरीज हैं जैसे इस तरीके की प्लेट्स हो गई कलरफुल सी, ये काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। ये देखिए, ये पम्पकिन शेप का ये वास है, 250 का था। और भी छोटे छोटे क्रॉकरी में पम्पकिन शेप के यहाँ पे बोल्स वगैरह आए हुए हैं, ये आप टी कप देख सकते हो, आप इसको एज अ प्लांटर भी यूज़ कर सकते हो। ये सारे छोटे वाले 50-60 रुपए के थे, तो इनका भी रीज़नेबल प्राइस था। जो इस तरीके की प्लेट्स हैं ना, ये काफ़ी महंगी हो चुकी हैं इस बार। ये पहले आपको इजली 200 के अंदर मिल जाती, बट अभी 500-700 इस तरीके से इन्होंने रेट लगा के रखा है। मैंने एक दो शॉप्स पे पूछा था, मैं एक्चुअली वीकेंड पे नहीं गई थी, मैं वर्किंग डेज में गई थी, तो उस टाइम पे इतना था। मे बी वीकेंड पे थोड़ा सस्ता हो, बट रीज़न वही हो सकता है कि इनका इतना नुकसान हुआ है, तो इस वजह से प्राइसेस थोड़े से हाई हैं। तो अगर आप जाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि इन लोगों ने उस टाइम पर बहुत सफ़र किया है जब डिमोलिशन हुआ था। आप बोल्स देख सकते हैं, बहुत ही कलरफुल से, मल्टी कलर, मेटेलिक कलर, बहुत ही स्मार्ट से यहाँ पे सूप बोल्स और सैलेड बोल्स थे, जो कि 300-400 इस तरीके से थे। इस टाइम पे रग्स कालीन वगैरह भी आए हैं, दो तरीके के, एक दरी टाइप में और एक विंटर के हिसाब से फर वाले। तो ये जैसे दरी टाइप में है, इनका भी स्टार्टिंग रेट वही 1000 रुपीज़ से था जो एक नॉर्मल बड़े साइज़ का होता है। छोटे साइज़ में आपको 500 में भी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए, डो मैट्स वगैरह 150 के पेयर, प्लांटर स्टैंड 1200-1100 इस तरीके की रेंज में थे। ये यहाँ पे आप फर्नीचर के आइटम देख सकते हैं, थोड़े से शो पीस टाइप थे। अंदर चल के इस बार एक जो नई चीज़ मुझे देखने के लिए मिली है, यहाँ पे बेड वगैरह भी आ चुके हैं। पहले फर्नीचर में जैसे सेंटर टेबल, कपबोर्ड, अलमीरा वगैरह ही मिलती थी, मैंने बेड्स वगैरह पहले कभी नहीं देखे थे बंजारा मार्केट में, बट इस बार न्यू एडिशन है, आगे वीडियो में आपको वो भी दिखेगा। ये देखिए, बहुत ही क्यूट सा कलरफुल सा प्लांटर, जस्ट फॉर 50 रुपीज़। बंजारा मार्केट सही बोला जाता है कि अगर आपको डेकोरेटिव आइटम्स देखने हैं तो उसके लिए हेवन है। आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मिलेगी, आपके पास बस थोड़ा सा मतलब आइडिया होना चाहिए कि आपको किस तरीके से घर को डेकोरेट करना है। बाकी छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ें तक आपको यहाँ पे ईजिली अच्छे कॉस्ट में मिल जाएंगी। आप क्रॉकरी देख सकते हैं, बहुत ही क्यूट से क्रॉकरी है,
250 रुपए का पेयर था ये। जैसा कि क्रिसमस का टाइम है, आने वाला है, तो उस टाइम पे जब भी कोई फेस्टिव सीजन होता है, चाहे वो क्रिसमस हो, होली हो, दिवाली हो, उसके पहले यहाँ पे बहुत अच्छे कलेक्शंस आ चुके होते हैं उसी थीम पे। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ बंजारा मार्केट का विंटर कलेक्शन है क्रिसमस के पहले का। साइड लैम्प्स छोटे वाले स्टार्टिंग फ्रॉम 700 रुपीस। ये आप डेकोरेशन में बल्ब देख सकते हैं। आप इन्हें लॉन वाले एरिया में भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये जो भैया बना रहे हैं हाथ में लेके, ये जो सिंगल सिंगल पीस रखा है ना, जो ये भी बना रहे हैं, इसका प्राइस था 650। मैंने पूछा था, बाकी अगर आप नेगोशिएशन करना चाहें तो वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे सिरेमिक प्लांटर के अलावा आपको मिट्टी के भी प्लांटर्स मिल जाएंगे, बट अगर आप बंजारा मार्केट आ रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि सिरेमिक में बहुत अच्छे आइटम मिलते हैं। प्लांटर्स के साथ साथ, यानी कि गमलों के साथ साथ, आपको यहाँ पे इस तरीके से प्लांट्स भी मिलेंगे। और ये पूरा का पूरा, ये गुलदावरी का पेड़ विद गमला, ये जस्ट फॉर 200 रुपीज़ दे रहे थे। मुझे लेना नहीं था बट मैंने उनसे प्राइस पूछा तो मुझे ये भी काफ़ी रीज़नेबल लगा, क्योंकि जब मैं आसाम गई थी डिगबोय में, मैंने इसी पौधे का, मतलब विद गमला, मैंने प्राइस पूछा था, तो वहाँ पे 600-700 उन्होंने लगाया था। दोस्तों, अगर आपने मेरे आसाम के ब्लॉग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखें, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। बाकी कुछ वीडियोस आगे भी आएंगे, जैसा कि क्रिसमस का टाइम था, बंजारा मार्केट ऑलरेडी मैं शूट करके रखा था मैंने, तो मुझे ये आप लोगों को क्रिसमस के कलेक्शंस दिखाने थे। बाकी आगे भी आपको आसाम के वीडियोस मिलते रहेंगे। ये देखें वाटर फाउंटेन, आप इसे इंडोर आउटडोर किसी भी तरीके से रख सकते हो। हर साइज़ के आपको मिलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 700 रुपीज़, सबसे छोटे साइज़ का। जो बड़े साइज़ के हैं वो, उनका स्टैंडर्ड प्राइस 2500 का है। ये देखिए रग्स एंड कालीन्स में आपको बहुत अच्छे कलेक्शंस मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो चुका है दोस्तों, जैसा कि उस बच्चे ने ऑलरेडी आप सभी को बताया कि 200 के ऊपर झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं। तो थोड़ा सा ना, जैसे पहले जो गलियां हुआ करती थी बंजारा मार्केट में, भी काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। मैं आपको चलते हुए दिखा दे रही हूँ। सिर्फ एक ही दो शॉप्स हैं जो पहले जहाँ थी वहीं हैं, बाकी सब कुछ चेंज हो चुका है यहाँ पे। और कुछ लोगों ने तो यहाँ पे स्ट्रीट फूड भी ओपन कर लिया है, मतलब जिनकी शॉप्स थी उन्होंने खाने पीने का भी सामान रखना शुरू कर दिया है। ये देखिए जो मेरे हाथ में है रग, ये आप किसी भी प्लांटर के नीचे यूज़ कर सकते हो, और भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। उसका स्टैंडर्ड प्राइस था 100-100 रुपए के थे। जो छोटे मोटे आइटम हैं उनके प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो थोड़े से बड़े आइटम हैं उनके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है पहले से। ये कुशन सेट 1500 के दो थे। ये देखिए कितना कूल सा ये बैग है, ये 250 का था। पहले इसी तरीके के बैग्स हमें 200 के मिल जाते थे, बट इस बार जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया थोड़ा महंगा था, तो उसी हिसाब से है। और ये जो आप सिंपल ब्लैक एम्ब्रॉयडरी में रग देख रहे हो, ये इन्होंने 2500 का बोला था। इस बार बहुत ही स्मार्ट से कुशन के सिटिंग में आए हैं, आप देख सकते हैं, ये भी 2500 रुपये जोड़ा था। और ऑटोमेंस वही स्टैंडर्ड प्राइस 2500 का पेयर था। ये आप मार्बल के स्टूल्स देख सकते हैं, आगे और भी डिफरेंट शेप्स में दिखेंगे। रक्स के छोटे से लेके बड़े कलेक्शंस आपको मिलेंगे। मैंने ये छोटे साइज़ के दो लिए हैं, 50 रुपीज़ कॉस्ट किया है, जो कि क्वाइट रीजनेबल था। किचन में हमेशा यूज़ हो जाता है, जब भी आप कोई गर्म चीज़ रखते हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्लांटर रखने के तो काम आता ही है। ये देख सकते हैं साइड टेबल कितनी कलरफुल सी, 2500 का था वो। इनमें से मैक्सिमम चीज़ें जो मेरे पिछले वीडियोस में मैं आपको प्राइस विद रिटर्न बता चुकी हूँ, जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके देखें, उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वासेस के भी बहुत अच्छे कलेक्शन हैं, और वासेस के साथ यहाँ पे इस बार जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं वो भी वासेस के साथ ही मिल रहे थे, 100 रुपीज़ ईच। मतलब वासेस का प्राइस नहीं बता रही हूँ, एक सिंगल फ्लावर का बता रही हूँ।
ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर सा डेकोरेटिव पीस था जो कि 400 बोल रहे थे, बट 150 तक ये लगा दे रहे थे। ये सेंटेड में भी है, आप इसको सेंटर टेबल में किसी बोल में डाल के रख सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर में, मल्टी कलर में परफ्यूम्ड था ये, इसमें मतलब काफ़ी अच्छी खुशबू थी। तो 400 के बड़े वाले, 200 के छोटे वाले ये दे रहे थे। ये देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, वासिस के काफ़ी अच्छे कलेक्शंस हैं। जो बड़े आकार के हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 रुपीज़। ये पेंटिंग्स जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 2000, 2500, 1500 की भी कुछ थी। ये जो ब्लू वाली आप देख रहे हो, ये 1500 की थी। ये सारी हैंडमेड पेंटिंग्स हैं। फोटो फ्रेम्स स्टार्टिंग फ्रॉम 200 रुपीज़। वॉल फ्रेम्स भी थे यहाँ पे, 1500, 2000 इस तरीके से इनका प्राइस स्टार्ट था। अभी हम चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए यहाँ पे मतलब ये दरी वाले मटेरियल में भी एक पोस्टर टाइप का था, मुझे समझ में नहीं आया आप उसको लेके फ्रेम करवा सकते हो, बट वो भी खुले में बिक रहे थे 300, 400 इस तरीके की रेंज में। वॉल हैंगिंग्स, ये देखिए कितना फंकी सा ये स्पैचुला है। बाकी दोस्तों, आपको बंजारा मार्केट किस तरीके से आना है, अगर आप कभी भी दिल्ली विज़िट करते हो, ये एक्चुअली गुड़गांव सेक्टर 56 की मार्केट में पड़ता है। मैं इसका पूरा एड्रेस, किस तरीके से आना है मेट्रो से, कैसे आना है, मैंने पूरा अपने पिछले वीडियोस में समझा के रखा है, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। इस बार रग्स एंड कालीन्स भरे पड़े थे पूरी मार्केट में, आप देख सकते हो। जो बड़े वाले हैं, मतलब जो पूरा का पूरा आप ज़मीन पे बिछा, मतलब किसी कमरे में बिछाने के लिए यूज़ होता है, वो पूरा का पूरा 7000, 8000 इस तरीके से भी थे, बड़े आकार के, मतलब बड़े साइज़ के। ये देखिए, प्लांटर स्टैंड स्टार्टिंग फ्रॉम 700 रुपीज़। साइड टेबल्स 2500 के। इनमें देखिए, अंदर रखने के लिए भी स्टोरेज बना हुआ है, तो आप इसे साइड में भी रख सकते हैं, इसमें सामान भी रख सकते हैं। ये देखिए, वुडन ट्रे स्टार्टिंग फ्रॉम 500 रुपीज़। ये आ गया क्रॉकरी वाला सेक्शन, ये क्रिसमस के लिए कुछ कुछ चीज़ें, ये 50 रुपये का था जोड़ा। ये डोनट शेप का वास 500 रुपये से दोस्तों इसकी स्टार्टिंग थी। यही सारी चीज़ें पहले 200 की रेंज में मिलती थी, बट इस बार थोड़ा महंगा है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो उसका रीज़न भी वैलिड है। ये देखिए, टाइगर प्रिंट में प्लेट्स थी, और भी बहुत सारी मतलब फंकी प्लेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसी भी आप लेना चाहें। जो छोटे आकार की है ये वाली, ये 200 रुपये की थी, 250 बोल रहे थे बट 200 में इन्होंने लगा दी थी। बड़े आकार की महंगी होती जा रही थी, जो छोटे आकार की हैं वो 200-200 में आपको मिल जाएंगी। ये देखिए, बहुत ही क्यूट सी केटल। प्लेट्स में ना आपको इस बार बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी, कलरफुल, और उनकी डिज़ाइंस वगैरह जो आपने पहले बंजारा मार्केट में नहीं देखा होगा। आपको लाइट शेड में भी मिल जाएगा, आपको डार्क शेड में भी मिल जाएगा। ये देखिए, ये था सिर्फ 100 रुपये का, इसका स्टैंडर्ड प्राइस है इस रग का, पूरी की पूरी मार्केट में ये आपको जहाँ पर मिलेगा सबका 100 ही रुपये था। यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी ना, कि जो आपने पहले सुना भी नहीं होगा, ऑनलाइन भी नहीं देखा होगा। यहाँ पे आके भी आपको दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं कि हम घर को किस तरीके से सजा सकते हैं। इस बार कप्स में आप देख सकते हैं कितने मतलब डिफरेंट टाइप के, कितने कूल से कलेक्शंस हैं। ये सारे के सारे ऑटोमन्स, ये देखिए छोटा सा मंदिर जस्ट फॉर 1000 रुपीज़, बहुत ही छोटे आकार का था, आपको देख के बड़ा लग रहा होगा बट उसका साइज काफ़ी छोटा था। और ये है दोस्तों नई वाली गली, जहाँ पे कुछ शॉप वालों ने स्ट्रीट फूड भी स्टार्ट कर दिया है,
और ये है दिल्ली का बहुत ही फेमस पॉपुलर शकरकंदी की चाट, जो कि काफ़ी हेल्दी होती है। शकरकंदी को पका के उसे कोयले पे कंटिन्यूसली रखा जाता है ताकि वो धीमे धीमे आंच पे पकती भी रहे। उनमें एक सोंधापन आ जाता है जब वो उस तरीके से कोयले पे सिकती हैं। उसको छील के उसमें बहुत ही बेसिक से मसाले, चाट मसाला, नमक, नींबू डाल के सिंपली सर्व किया जाता है। तो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है एज अ स्ट्रीट फूड, और इतनी सर्दी वाले टाइम पे तो बनता है। तो मुझे घूमते घूमते, मैं थक चुकी थी, मुझे भूख भी लगाई थी, तो मैंने यहाँ पे शकरकंदी चाट बनवाई। ये देखिए बहुत ही डिलिशियस होती है। अगर आप दिल्ली आएँ तो ये चाट तो ट्राई करना बिल्कुल बनता है, और आप गिल्ट फ्री होके खा भी सकते हो। दोस्तों, इसी गली की मैं बात कर रही थी, ये एक नया ही स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, अलग ही गली है, पहले नहीं हुआ करती थी। एक्चुअली जितनी झुग्गियाँ तो वगैरह तोड़ी गई तो लोगों ने अलग तरीके से वापस से बसा लिया। और जो मैं सेक्शन की बात कर रही थी ना कि आगे आपको बेड्स वगैरह भी मिलेंगे, तो आगे पूरा का पूरा एक शॉप थी जो अलग अलग डिज़ाइन की, जो आपको ऑनलाइन भी लेटेस्ट डिज़ाइन मिलेंगी ना बेड्स की, उनसे भी बढ़िया कलेक्शन थे उनके पास। अभी मैं आपको चल के दिखा दे रही हूँ। आप कभी भी आ जाओ बंजारा मार्केट, बोरियत नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ इनके पास नया होता है। डोरमैट्स के आप कलेक्शंस देख सकते हैं, ब्राइट में भी है, लाइट कलर में भी है, डार्क कलर में भी है, और ये सारे के सारे एंटी स्लिपरी थे। जिन टेबल्स की मैं बात कर रही थी, ये देखिए गोल में हमने पहले ही देख लिया था, सर्कुलर शेप में, यहाँ पे आपको स्क्वायर में, रेक्टेंगल में और भी शेप्स में मिल जाएंगे, बड़े छोटे, उनका प्राइस उसी हिसाब से डिपेंड करता है। ये देखिए बहुत ही सोबर सा क्यूट सा ऑटोमन, 3000 का पेयर था वो, थोड़ा सा बाकियों से महंगा था क्योंकि उस पर वर्क हुआ था क्रोशिया का। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको कुछ पूछना है बंजारा मार्केट से रिलेटेड या मेरे वीडियो से रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आप सभी को ज़रूर हेल्प करूँगी। ये देखिए कितना एंटीक पीस है, ये 500 का था, और ये है बेड वाली शॉप। इनके पास स्पेशली बेड के काफ़ी अच्छे कलेक्शंस थे, आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन देखने को मिलती हैं, और इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ कि ऑनलाइन से हाफ रेट तो होगा ही, मतलब ऑनलाइन काफ़ी महंगी मिलती हैं चीज़ें। मैंने खुद कंपेयर किया, अपने पिछले वीडियोस में सामान कंपेयर करके भी दिखाया है विद लिंक विद प्रूफ। तो अगर आपको मतलब देखना है तो आप यहाँ पे आके बेड्स वगैरह देख सकते हैं और ख़ुद कंपेयर कर सकते हैं उसके ऑनलाइन प्राइस के साथ। हाफ का तो डिफरेंस होगा 100%। ये देखिए बहुत सारे शॉप्स वालों ने यहाँ पे स्ट्रीट फूड का ऑप्शन शुरू कर दिया। पहले सिर्फ शॉप्स हुआ करती थी, ठेले पे आपको स्ट्रीट फूड मिलता था, बट अभी प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रीट फूड की शॉप हो चुकी है। ट्राईपॉड स्टैंड स्टार्टिंग फ्रॉम 2100। ये देखिए बैम्बू से बना हुआ मटेरियल, ये जो लैम्प आपको दिख रहा है ये 220 रुपये का भैया बोल रहे थे, काफ़ी इको फ्रेंडली है ये, आप इसको गार्डन वगैरह वाले एरिया में यूज़ कर सकते हैं। ये सारे के सारे बैम्बू के ही बने हुए थे। जो लैम्प आप देख रहे हो ये 600 का बोल रहे थे। अभी हम चलते हैं आगे की ओर और आपको बाकी की चीज़ें दिखा दे रही हूँ मैं। जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो बारबेक्यू करने के लिए आपको इस तरीके से अंगीठियाँ वगैरह मिल जाएंगी, और अंगीठियों के साथ ये कोयला भी साथ में बेच रहे हैं, तो एक साथ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए फर वाले ये रग्स, कालीन आप जो भी बोलो, इस तरीके से ये 2500 के थे, छोटे साइज़ के ही। महंगे क्यों थे मुझे नहीं समझ में आया, बट देखने में काफ़ी अच्छे थे। ये कुशन आप देख सकते हैं, 200-200 रुपये के ये कुशन्स मिल रहे थे, आप कोई सा भी लो। पहले दोनों साइड 200 दुकानें हुआ करती थी, अभी डिफरेंस इतना है कि वो सब ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। आप ये जो टेबल देख रहे हो, मतलब साइड टेबल, आप इसको एज अ कबर्ड भी यूज़ कर सकते हो।
ये 4500 का आंटी ने बोला था, मैंने कोई नेगोशिएशन नहीं किया, मैं जस्ट प्राइस पूछ के मैं आपको बता रही हूँ। और ये क्यूट सा प्लांटर नीचे प्लेट के साथ मुझे जस्ट 50 रुपये का मिला, तो आप अपने स्टडी टेबल पे या फिर जहाँ काम करते हो रख सकते हो। इसमें और भी शेप्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ये एलिफेंट शेप का था, और भी बहुत सारे मतलब अलग अलग शेप्स में था। आप कप्स वगैरह देख सकते हैं, ये 50-50 रुपये के थे। यहाँ पे ये मतलब प्रॉपर फिनिशिंग करके देते हैं, अगर आप आएँ आपको जो भी कलर चाहिए हो ये आपको करके देंगे सेम प्राइस में। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी याद से दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोज़ अपलोड करूँ उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।